नए नए वीडियो की जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे ऑल हेल्प इन हिंदी यूट्यूब चैनल को, और इस रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आपको हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सकेगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल हेल्प इन हिंदी यूट्यूब चैनल, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रोहित। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका खाता भारतीय स्टेट बैंक में है, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट है, तो फिर आपको इस तरीके का एक नोटिस या फिर फॉर्म मिल सकता है। तो दोस्तों, फॉर्म को अभी हम तो आपको थोड़ी देर में यहाँ पर दिखाने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम इसके बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये फॉर्म ये है कि अगर अभी तक आपने अपने खाते से अगर पैन कार्ड को लिंक नहीं किया है, तो आपका खाता डीएक्टिवेट हो सकता है, और आप जब पैन कार्ड को अपने खाते में लगाएंगे तभी आप खाते की सारी सर्विसेज को यूज कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये फॉर्म है पैन कार्ड वालों के लिए। अगर आपने पैन कार्ड नहीं लगाया है तो आपको फिर ये फॉर्म भरना होगा। फॉर्म है, ये फॉर्म का नाम है फॉर्म 60। दोस्तों, फॉर्म 60 आपको भरना होगा, जिसमें आपको ये बताना होगा कि मेरे पास पैन कार्ड नहीं है। तो SBI वाले सभी अपने खाताधारकों को ये फॉर्म बाई पोस्ट के ज़रिए भेज रहे हैं, भारतीय पोस्ट के ज़रिए इसको आपके पास पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों, शायद ही ये आपको फॉर्म मिला होगा और आप अभी तक समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये फॉर्म हमारे पास किस लिए आया है, क्या है, कैसा है। तो दोस्तों, ये इसीलिए है, अगर अभी तक आपने अगर पैन कार्ड को लिंक नहीं किया है तो तुरंत जाइए अपने बैंक में और अपने पैन कार्ड को वहाँ पर जाके लिंक करवाइए। और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो फिर आप इस फॉर्म को भरकर आप अपने बैंक में जमा कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बारे में चर्चा अब हम थोड़ी देर बात करेंगे, और इससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जहाँ पर दोस्तों आप वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, तो उस बटन पर आपको क्लिक करना है, और उसके बगल में आपको बेल आइकन दिखेगा, तो दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, जिसके प्रेस करने से आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिल सकेगी। तो दोस्तों, इस चैनल पर मैं इंटरनेट से रिलेटेड डेली टिप्स यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, जो दोस्तों बिल्कुल फ्री होती हैं और एकदम हिंदी में होती हैं। तो दोस्तों, आप मेरा चैनल तो देख ही सकते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ऐसी सपोर्ट करते रहेंगे तो आपको फ्यूचर में और भी अच्छी अच्छी टिप्स इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके का ये फॉर्म है, कैसा ये आता है, फॉर्म में क्या क्या हमको डिटेल फिल करनी है, तो सारा कुछ दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके का आपको यहाँ पर एक फॉर्म देखने को मिलेगा। तो जैसा कि ये अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास ही आया हुआ है, तो अब हम इसके बारे में आपको बताएंगे क्या है ये, कैसा है। तो इसको करेंगे हम क्विकली ओपन, और इसमें आपको दिखाएंगे कुछ यहाँ पर रूल लिखे हुए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि However, it's observed that permanent account number PAN allotted by the income tax department is not updated in our records. कि हमारे रिकॉर्ड पर आपका पैन नंबर अभी तक नहीं है। तो इस तरीके का दोस्तों ये लेटर है, और इसके पीछे एक लगा हुआ है कि ये फॉर्म। तो ये दोस्तों ये फॉर्म है, ये प्रपत्र संख्या 16 है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो फिर इस फॉर्म को भरकर आपको बैंक में सबमिट करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि घोषणाकर्ता का पूरा नाम व पता, और सौदे का विवरण, सौदे की राशि, क्या आपका कर निर्धारण होता है, और कॉलम वन में पते की पुष्टि किए जाने वाले दस्तावेज, और इसके बाद सत्यापन कि मेरे पास पैन कार्ड नहीं है, और जो भी मैं जानकारी देता हूँ वो बिल्कुल सही है। तो अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो फिर इस फॉर्म को फिलअप करके आपको अपने नियरेस्ट ब्रांच में जमा करना होगा। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस ब्रांच में आपको ये फॉर्म फिल करके जमा करना होगा। तो दोस्तों, आपने अभी फॉर्म को देखा है और इस फॉर्म को हमको कैसे फिलअप करना है, तो बड़ी इजीली आप इस फॉर्म को फिलअप करके अपनी नियरेस्ट ब्रांच में जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने अगर पैन कार्ड को अपने बैंक अकाउंट पर लिंक नहीं करवाया है, यानी बैंक अकाउंट में अपने पैन कार्ड को नहीं दिया है, तो तुरंत जाइए अपनी ब्रांच में और डीएक्टिवेशन से बचिए, और अपना तुरंत अपने पैन कार्ड को अपने बैंक के खाते से लिंक कीजिए। और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है
तो फिर आप सिंपली फॉर्म 16 को फिलअप करके ब्रांच में जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी ये जानकारी मिल सके और खाते के डीएक्टिवेशन से वो भी बच सकें। तो दोस्तों अब मैं आपसे देता हूँ विदा, और अब मिलता हूँ एक नए वीडियो में। तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।